हर बच्चे का एक सपना होता है, मेरा भी था, आज वो सपना पूरा होने जा रहा है। अबे ये नहीं यार भाई, फाइनली पापा नई गाड़ी लेके आ रहे हैं, तू भी आइयो। पापा ने बोला गाड़ी इतनी ऊंची होगी कि डीटीसी की बस भी छोटी लगेगी, तू भी आइयो। यही नहीं, लेग स्पेस तो इतना है कि बिजनेस क्लास की सीट भी छोटी लगेगी भाई, आइयो जरूर। ठीक है भाई। तेरा हरामखोर बाप कहाँ रह गया, पूजा का मुहूर्त निकले जा रहा है। अरे मम्मी ऊंची गाड़ी है ना, डिलीवरी में टाइम लगता है। मुझे तो लगता फॉर्च्यूनर आएगी। अबे नहीं होए, जी वैगन होगी भाई, छोटा हाथी होगा, छोटा हाथी। मुझे तो लग रहा है रेंज रोवर होएगी। अरे मम्मी इन तीनों में से कोई सी भी आ जाए, मेरी तो चांदी चांदी है। भाई तूने कैब बुक करवाई थी? नहीं भाई। तूने करवाई थी? नहीं तो। पापा आप पापा हमारी नई गाड़ी कहाँ पे है? ओ बेटा यही तो है। अरे पापा ये तो वैगन आ रहा है, नई गाड़ी का है, नई गाड़ी। ओ वैगन आ रही हमारी नई गाड़ी है। ऊंची गाड़ी। लेट्स गो। मम्मी एक सेकंड इधर आओ। पापा सुनो। हाँ? बेच सको तो बेच दो, मेरी मानो जला दो, पेट्रोल गाड़ी के ऊपर डालो। अरे डब्बा ले दे। सर गाड़ी कैसी लगी है बताओ। अबे पागल है क्या, इसमें तो मेरा सर डैच हो रहा है, कोई और दिखा। आओ सर आपको और दिखाता हूँ। सर ये वाली गाड़ी देखो आप। अबे पागल है क्या, ये तो मेरी छाती से भी छोटी है, इसमें तो मेरा बच्चा नहीं आएगा, मैं कहाँ से आऊंगा। सर आपको एक और दिखाता हूँ मैं गाड़ी, आओ आप। इस वाली में आपको मजा आया होगा। अबे लेग स्पेस ही नहीं है, इसमें मेरी टांगे नहीं आ रही यार। लेग स्पेस नहीं है सर, एक सेकंड सर। सर एक गाड़ी आपके लिए, उसमें आपका हेड रूम, लेग स्पेस सब प्रॉब्लम सॉल्व। तो भूतनी के पहले दिखाता ना। सर वो बहुत स्पेशल गाड़ी है ना, आओ। आ सर कैसी लगी गाड़ी? अबे क्या हेड स्पेस है, क्या लेग स्पेस है, पहले दिखाता ना ये गाड़ी। मैंने आपको बोला था ना खाली हाथ नहीं जाने दूंगा, आओ सर डील कर लें। आओ आओ आओ। अबे वैसे गाड़ी का नाम क्या है? सर वैगनार। यार मैं नहीं जा रही ट्रिप में उसकी गाड़ी में, शर्म आती है। कोई बात नहीं, लेट्स वेट। चलो गाइस लेट्स गो ऑन अ ट्रिप, यस मजा आएगा, बल्ले बल्ले। भैया ओटीपी है 4918। ओटीपी 4919। आगे आगे बैठ, पर्सनल गाड़ी है मेरी, कैब नहीं है ये। तेरे को तो मैं बताता हूँ अंडे भाई, ट्रिप पे मजा आ जाएगा यार। अबे तूने बैग क्यों रखा है, पीछे डिक्की में रख देना। अरे पीछे तो थी अंडी लगी होगी ना, कहाँ रखूंगा। ये मेरी पर्सनल गाड़ी है पेट्रोल की, इसमें सीएनजी नहीं है, कैब नहीं है ये। पता पक्का? यार गर्मी लग रही है, फैन ऑन कर दे। अरे फैन क्यों चलाना है, इसमें एसी है ना। इसमें एसी है? मतलब एसी है, मतलब एसी है इसके अंदर। मुझे लगा वो तुम्हारे लिए छोटा सा आगे फैन नहीं पड़ा होता हवा के लिए। चल कुंवर गाने सुनते हैं। भाई तुम स्पीकर को लेके आए हो, तुम्हें पता नहीं था गाड़ी में जा रहे हैं। अरे इसमें ले दियो तो होगा नहीं, और तू अपनी लीड लगा के बैठ जाएगा, फिर हम तो होंगे ना बोल। अबे इसमें रेडियो भी है, स्पीकर भी है, कैब नहीं है ये, गाड़ी है मेरी पर्सनल। मम्मी कसम था, मम्मी कसम कलाना फिल। अरे भाई तेल से एक बात पूछूं? पूछ। बुला तो नहीं मानेगा? नहीं नहीं पूछ पूछ। तुम लोगों का तो कौन लैग होता है, वो थोड़ा फॉलो वालों से होता है या उबर के साथ ही थोड़ा थोड़ा कर लेते कहीं भी चला। उतर उतर, तुम भी उतर। साले अपनी गाड़ी लेके आते नहीं है, मैं लेके आया तो ओला उबर बना दी। उतर आगे तक चलती। अबे उतर ना, बंदे के बैठ के यहाँ पे कंट्री ना। उतर क्या
है, तुम्हारा नाम ही पहलवान सिंह है। हाँ, तुम्हारे लिए एक काम है। किसको उड़ाना है? अरे उड़ाना नहीं है, किसको ठोकना है? ठोकना भी नहीं है। किसका मर्डर करना है? अरे मर्डर नहीं करना। अबे तो यहाँ मूंगफली लेने आया है? अरे पहलवान भाई, चोरी करनी है, चोरी। हाँ हाँ हाँ, इतना सच्चा काम पहलवान सिंह करेगा? हाँ करेगा। ये लो, इसके अंदर डिटेल्स हैं, काम होने के बाद पेमेंट हो जाएगी। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, गाड़ी का कलर है ग्रे, गाड़ी एग्जैक्टली मेरे घर से 25 मिनट की दूरी पर खड़ी है, गाड़ी का नंबर है DL586966 और हाँ, गाड़ी की चाबी साइड वाली गाड़ी के ऊपर रखी है ताकि तुम्हें कोई परेशानी ना हो, इसलिए मैंने सारे इंतजाम पहले से कर दिए हैं। ओके? चोर लोग बोलते नहीं ना। ओके बाय। चोरी तो कर ले। कर तो ली चोरी। कहाँ करी है? अबे साला कीमती सामान चुरा लिया मैंने, ये देख, कैप चुरा ली, बोतल चुरा ली, बैग चुरा लिया, कोलगेट चुरा ली, और क्या चुराऊं? अबे तेरे को गाड़ी नहीं दिखी? कौन सी गाड़ी? अबे ये गाड़ी। इस खटारे को तू गाड़ी बोलता है? कोई कबाड़ वाला भी ना ले इसको, जो सामान में मेरी थू थू करवाएगा क्या? बैग ना चुराऊंगा मैं साला, पूरी जिंदगी वैगनार में घूमना पड़ेगा मेरे को। अरे साहिबा, पार्टी कैसी लगी? यार पार्टी तो बहुत बढ़िया थी, मजा आ गया। क्या सीन है फिर, कहाँ जा रहा है? मैं तो घर जा रहा हूँ। गाड़ी ले। अगर इनको पता लग गया मेरे पास वैगनार है तो बहुत बेइज्जती होगी। नहीं यार, गाड़ी ना एक्चुअली पापा सुबह ले गए, तो मैं तो कैब से आया हूँ और कैब से जा रहा हूँ। तो बढ़िया है ना, साथ चलते हैं, कारपूल भी हो जाएगी और पैसे भी डिवाइड हो जाएंगे। ओके यार, मेरे को ना एक्चुअली बुआ के घर से होते हुए जाना है, तो तुम लोग क्या करोगे जाके? तेरी बुआ हमारी बुआ, हम भी मिल लेंगे, क्या कहते हो? सही बात है, चलो 5 मिनट रुको, मैं आ रहा हूँ। डन डन। ये तेरी गाड़ी है? नहीं, ये तो कैब है जो मैंने बुक करवाई थी। 2 मिनट रुक जा, पीछे तो हरी बोल लिखा है, तूने लिखवाया था अपनी गाड़ी पे? भाई मैं तो गुरुजी को मानता हूँ, हरी बोल भी लिखवाऊंगा। अबे इसकी नंबर प्लेट भी तो व्हाइट है, कैब की तो येलो होती है। अबे तो भाई उसको येलो कलर पसंद नहीं होगा ना, इसलिए व्हाइट कलर है। दिक्कत क्या हो गई इसमें? पक्का तेरी गाड़ी नहीं है? नहीं। पक्का तेरी गाड़ी नहीं है? नहीं। सैंडी, ईंट उठा, शील तोड़ दे इसका। अबे इसके बाप की गाड़ी है, आराम कर। पापा आप, आपको कैसे पता चला मैं यहाँ पे हूँ? पीछे मुड़। तेरे बाप ने तेरी जीपीएस लगा रखा था, ट्रैक कर गया है यहाँ तक। पापा वो मैं बेस्ट। और चुप, तेरे बाप ने पाइप पाइप जोड़ के बैग ना लिए, वो तो शीशे में पत्थर मारने जा रहा था। कोई काम कर, घर चल। नहीं, तू यहीं रह अपने दोस्तों के साथ, मैं घर जा रहा हूँ। अरे पापा मेरे को तो ले जाओ। ताकि यू बैग के। अरे पापा मेरे को भी ले जाओ। साला वैगनार ने बेइज्जती करवा रखी है मेरी। ए टैक्सी, ये प्राइवेट गाड़ी की एंट्री है, ओला उबर आगे से। अबे ओ इधर आ, तेरे को आगे व्हाइट नंबर प्लेट नहीं दिख रही? अच्छा, तो फर्जी नंबर प्लेट लगा के गाड़ी चला रहा है। अबे आग के अंधे, तेरे को अंदर इतनी सुंदर लड़की नहीं दिख रही? अच्छा, तो दलाली का काम भी है तेरा। रुक, 100 नंबर पे कंप्लेंट करके तेरे को बंद करवाता हूँ। अबे पागल है क्या? मतलब मैंने वैगनार के ले ली, तूने मेरे को दलाल, ओला, उबर, टैक्सी सब बना दिया। अबे मानता हूँ कि गाड़ी बहुत गंदी दिखती है, मानता हूँ कि सिलेरियो नैनो से भी ज्यादा गंदी दिखती है, पर इसका मतलब ये थोड़ी है यार कि वैगनार वालों की बेइज्जती करते रहो तुम लोग। अबे तेरे को पता है
हर मिडिल क्लास फैमिली की पहली गाड़ी होती है वैगनार। मेरे पापा की भी पहली गाड़ी वैगनार ही है और मैं इसको प्राउडली चलाता हूँ क्योंकि ये गाड़ी मेरे को हर जगह लेके जाती है। ये गाड़ी मेरे दोस्तों को हर जगह लेके जाती है। इस गाड़ी के अंदर एसी भी है, इस गाड़ी के अंदर चार टायर भी है, इस गाड़ी के अंदर शीशे भी है और इस गाड़ी के अंदर पावर विंडो भी है। थैंक यू भाई साहब। ओ थैंक यू नहीं, अपनी टैक्सी हटा, गाड़ी अंदर लेके जानी है हमने। अरे आपने वीडियो यहां तक देख ली, मतलब एंड तक देख ली, तो भाई अगर आपने वीडियो एंड तक देखी ना तो थैंक यू सो मच, आप मेरे मोस्ट लव्ड सब्सक्राइबर हो गाइस। एंड अगर एंड तक देख ही लिया है तो आपका कुछ नहीं जाएगा, छोटा सा एक लाइक करना है, नीचे लाइक का बटन है उसको प्रेस कर दो, एक शेयर का बटन है उसको दबा के सबके साथ शेयर कर दो, एंड एक कमेंट सेक्शन है वहां जाके एक प्यारा सा कमेंट कर दो। एंड गाइस मेरे को दो चीजें बोलनी है, प्लीज कमेंट सेक्शन में कोई मत बोलना कि भाई फंचो की कॉपी करी है, मैं खुद एडमिट कर रहा हूं, खुद एक्सेप्ट कर रहा हूं कि हां हमने ये जो टॉपिक है, हमने जो ये आइडिया है फंचो की रील से ही लिया है एंड मेरे को बहुत ज्यादा अच्छी लगी थी, तो मैंने सोचा कि इस पे और क्या क्या कर सकते हैं, तो मैंने थोड़े बहुत आइडियाज वहां से लिए, थोड़े बहुत आइडियाज खुद के बनाए एंड ये मैंने पूरी वीडियो क्रिएट कर दी क्योंकि वो सिर्फ एक छोटी सी रील थी एंड मेरे को इसके ऊपर पूरी वीडियो बनानी थी, तो मैं खुद उन लोगों से बहुत ज्यादा इंस्पायर होकर मतलब मैंने ये चीज क्रिएट करी है, तो प्लीज कोई भी हेट मत फैलाना कॉमेंट सेक्शन में। एंड दूसरी चीज ये है कि वैगनार वालों को मैं स्पेशली बोलना चाहता हूँ कि भाई बहुत ही बढ़िया गाड़ी है, मतलब पहले मैं भी हेट करता था, मेरे को भी लगता था कितनी बुरी गाड़ी है दिखने में, बट एक्चुअल में जब मैंने पूरे दिन चलाई ना, मैंने पूरे दिन उसको फील किया गाड़ी को, तो भाई एंड में पता लगा कि सही में कितनी जबरदस्त गाड़ी है, उसमें कोई स्पेस की कमी नहीं है, वो चलने में एकदम मक्खन है। 2009 मॉडल मैंने चलाया एंड वो भी इतना सही था कि मेरी i20 भी शायद फेल है उसके आगे, तो वैगनार के लिए कोई हेट नहीं है, बहुत ज्यादा प्यारी गाड़ी है, आप लो, बिल्कुल लो, जाओ एकदम लो। एंड गाइस जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाल बटन है दबा दो, घंटा है उसको भी दबा दो, एंड मेरे व्लॉगिंग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जसपुरु व्लॉग्स यहाँ कहीं पे आ रहा होगा, जाओ फॉलो करो, एंड मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो, जसपुरु ही वहाँ पे हैंडल है मेरा, वो भी यहाँ पे आ रहा होगा, जाओ फॉलो करो, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, एंड मिलते हैं ऐसी किसी मजेदार नई वीडियो के साथ। टिल देन पापा है प्यार आपका, मैटिन जसपुरु की, लव यू।